दोस्तों, दुनिया में हर चीज को नापना जरूरी है। किसी भी चीज की नाप से ही उस चीज का कुल राशि पता चलता है। जैसे लंबाई और चौड़ाई को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर से और वजन को किलो, मन और क्विंटल से नापा जाता है, वैसे ही जब भी हम लोग कहीं यात्रा करते हैं तो कितना स्पीड से जाते हैं ये भी नापना जरूरी है। अगर हम लोग स्पीड को नाप ले तो एक जगह से और एक जगह जाने में कितना टाइम लगेगा बहुत ही अच्छे से जान पाएंगे। अभी स्पीड को नापने के लिए यूज होता है स्पीडोमीटर की, और स्पीडोमीटर दो प्रकार का होता है, एक एनालॉग और एक डिजिटल। तो दोस्तों, आज हमने बहुत ही सरल भाषा में ये स्पीडोमीटर काम कैसे करता है ये जानेंगे। स्पीडोमीटर के साथ जुड़ा रहता है एक ठो केबल, इसे स्पीडोमीटर केबल कहता है। इसके अंदर एक ठो तार रहता है जो घूमता है। ये तार का एंड देखिए कुछ इस तरह का है, यही एंड व्हील के साथ कनेक्टेड रहता है। ये तार घूमता है और स्पीडोमीटर काम करता है। इसके लिए ये दो ठो गियर का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये गियर प्लास्टिक का भी आता है और मेटल का भी, मेटल ही अच्छा होता है। ये लंबा सा गियर यहाँ फिट होता है और ये बड़ा वाला गियर बिल्कुल उसके पास यहाँ फिट होता है। ये बड़ा वाला गियर जब घूमता है, आप देख पा रहे हैं, ये लंबा वाला गियर को भी घुमाता है। बाहर से आप देखेंगे तो इसको घूमता हुआ देख पाइएगा। यहीं पर फिट होता है स्पीडोमीटर का केबल का ये तार, और तार घूमता है और स्पीडोमीटर काम करने लगता है। अगर गाड़ी स्पीड से चले तो ये तार जोर से घूमता है और स्पीडोमीटर का सुई ऊपर जाता है। अगर गाड़ी का स्पीड कम हो जाएगा तो ये तार धीरे घूमेगा और स्पीडोमीटर का सुई को नीचे ला देगा। और अच्छी तरह से समझने के लिए आइए थोड़ा डायग्राम की तरफ नजर डालते हैं। ये स्पीडोमीटर केबल का तार जब घूमता है तो इस तार में लगा हुआ रहता है एक ठो मैग्नेट, तो ये मैग्नेट भी घूमता है और उस मैग्नेट के सामने रहता है एक ठो एल्यूमिनियम डिस्क, इसे एल्यूमिनियम स्पीड कप कहते हैं। ये मैग्नेट और एल्यूमिनियम डिस्क में कोई कनेक्शन नहीं होता, इसमें गैप रहता है। फिर भी जब ये मैग्नेट घूमता है तो ये एल्यूमिनियम का डिस्क भी घूमता है, क्योंकि ये मैग्नेट जब घूमता है इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं मैग्नेट घूम रहा है, एल्यूमिनियम का डिस्क भी घूम रहा है उसके साथ, उसी के दिशा में। वही घूमता हुआ डिस्क के साथ कनेक्टेड रहता है स्पीडोमीटर का सुई, और ये हेयर स्प्रिंग सुई को कंट्रोल में रखता है। डिस्क अगर जोर से घूमेगा तो सुई ऊपर उठेगा, डिस्क अगर धीरे घूमेगा तो सुई नीचे इंडिकेट करेगा। ऐसे काम करता है एनालॉग स्पीडोमीटर। चलिए आप देखते हैं डिजिटल स्पीडोमीटर कैसे काम करता है। डिजिटल स्पीडोमीटर से एक ठो तार निकला हुआ रहता है जिसका दूसरे छोर पे रहता है एक ठो स्पीड सेंसर। ये स्पीड सेंसर का रोल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये स्पीड सेंसर व्हील के यहाँ रहता है। स्पीड सेंसर के अंदर रहता है एक ठो मैग्नेट, और मैग्नेट के ऊपर कॉपर का वायर रोल किया हुआ रहता है। मैग्नेट रहने से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। मैग्नेट के ठीक सामने रहता है एक ठो गियर जैसा राउंडेड रिंग जिसमें ऐसा टीथ रहता है। ये गियर मैग्नेट से थोड़ा गैप बना के घूमता है, तभी उस मैग्नेट के पास करंट पैदा होता है। ये टीथ जब मैग्नेट के पास आता है तब मैग्नेट और गियर का गैप कम हो जाता है और करंट ज़्यादा पैदा होता है, और जब दोनों टीथ के बीच मैग्नेट आता है तब गैप बढ़ जाता है और करंट प्रोड्यूस कम होता है। ऐसा साइकिल चलते रहता है। ऐसे इलेक्ट्रिक सिग्नल चला जाता है माइक्रो कंट्रोलर में। माइक्रो कंट्रोलर हर सेकंड में कितना करंट प्रोड्यूस होता है ये कैलकुलेट करके व्हील का स्पीड निर्णय करता है। इसमें चक्का का साइज भी जरूरी है। चक्का एक बार घूमने से कितना दूर जाता है इससे गाड़ी का स्पीड और टाइम निकाल सकते हैं, और ये सब प्रोग्राम फिट रहता है स्पीडोमीटर में, तभी स्पीडोमीटर कितना स्पीड से गाड़ी जा रहा है वो शो करता है। ऐसे ही काम करता है डिजिटल स्पीडोमीटर। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना।